हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पार्वती ब्लॉग। आज हम बनाएंगे कुछ मीठा बहुत ही बढ़िया सा, क्योंकि हमने सब्जियां तो बहुत बना ली, अब थोड़ा सा मीठा बनाएंगे आज। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला था घी, उसके बाद सूजी ऐड की है और इसे हम इसी तरीके से हिलाते हुए चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। सूजी को बस गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भुनना है हमें, तो इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि सूजी जले ही नहीं और अच्छे से भुन सके। देख सकते हैं हल्का हल्का येलोइश कलर आ चुका है और ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो चुका है। बस इसी तरीके से अच्छे से भुनना है हमें। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से किशमिश, आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और घी की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़े से किशमिश और थोड़े से बिल्कुल काजू ऐड किए हैं, जो ड्राई फ्रूट मेरे पास अवेलेबल थे मैंने डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे एक मिनट तक भुनना है ताकि ड्राई फ्रूट भी अच्छे से भुन जाए सूजी के साथ। उसके बाद मैंने ऐड किया है पानी, पानी डालने के बाद मैंने इसमें चीनी ऐड की है। जितना मीठा खाते हैं आप उस हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं और पानी की जो क्वांटिटी है उसे हम, जैसे कि एक कटोरी अगर हम सूजी ले रहे हैं तो उसमें तीन कटोरी पानी डालेंगे, तो इस हिसाब से हम पानी ऐड करते हैं। मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैंने अंदाजे से पानी ऐड किया है। अगर आप नए नए बना रहे हैं तो पानी को आप नाप के डालिए, एक कटोरी सूजी में तीन कटोरी पानी, इस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। और चीनी भी जितने आप सूजी ऐड कर रहे हैं उतनी ही चीनी ऐड कीजिए, उससे बहुत बढ़िया मीठा होता है। और वैसे आप कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना मीठा खाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हलवा हमारा बन के तैयार हो चुका है। गैस को हमने बंद कर दिया है और यहाँ मैंने एक बर्तन में सर्व किया है। देखिए इस तरीके का हलवा बनके तैयार है। आप इसमें अपने हिसाब से घी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, वैसे इतना घी काफ़ी है जितना मैंने ऐड किया है। देख सकते हैं हलवा कितना परफेक्ट दानेदार बना है। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करना ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें और इसी तरीके से आप लोग भी बना के हलवा एंजॉय कीजिए, फैमिली फ्रेंड सभी को खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।